नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 24 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में आए थे। प्रतापगढ़ के कदहीमतपुर गांव में रात्रि विश्राम पर थे। यहां पर सीएम ने रात्रि चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी थी। दूसरे दिन सीएम योगी सुल्तानपुर का दौरा करने वाले थे, जिसके बाद से वे काफिले से ही सुल्तानपुर जा रहे थे। रास्ते में कांधरपुर से कोहंडूर की एक नई सड़क बन रही थी। इस दौरान उनकी निगाह नए नए बन रहे सड़क पर पहुंच गई। सीएम ने अचानक कहा कि उन्हें सड़क की क्वालिटी चेक करनी है। सीएम के ऐलान के बाद उनका पूरा काफिला उस सड़क पर घूम गया। आनंद फानंद में पड़ोस के गांव से एक फावड़ा मंगवाया गया और बीच सड़क पर एक चौकोर गड्ढा खुदवाया गया। योगी आदित्यनाथ ने सड़क देखकर अफसरों को फटकार लगाई। और ये तो बात हो गई जब योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में आए थे और एक सड़क का औचक निरीक्षण किया था। तो आखिर उस सड़क की निर्माण कार्य अब तक कहां पहुंची है? योगी जी ने उस सड़क का दौरा किया था, इसलिए ये जानना जरूरी था कि क्या सड़क निर्माण चल रहा है या फिर अधर में लटका है। ये जानने लाइव प्रतापगढ़ की टीम उस रोड पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर सड़क कितना बनकर तैयार हुआ है। कांधरपुर से कोहंडूर वाली रोड पर कुछ अंदर जाने के बाद दिखा कि सड़क पर काम चल रहा था और 40 से 50 दिन में सड़क बनकर तैयार भी हो जाएगी। सड़क निर्माण की अंतिम तारीख दिसंबर है और इस समय कांधरपुर से कोहंडूर तक आने वाली सड़क आधे से ज़्यादा निर्माण कार्य हो चुका है। 3 से 4 किलोमीटर सड़कें बननी अभी बाकी हैं। हालांकि गिट्टी सड़कों पर गिरने से सड़कों पर आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में जितनी जल्दी काम हो जाता है उतनी जल्दी लोगों के लिए राहत की बात होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क का काम चल रहा है यहाँ पे। यही वो रोड है जिस रोड का योगी आदित्यनाथ अचानक से दौरा किए थे और प्रतापगढ़ में अधिकारियों में हलचल मच गई थी। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी से खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।